सिडको और राज्य सरकार ने नवीनबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दीबा पाटिल की बजाय बाला साहब ठाकरे का नाम देने का जो प्रस्तावित किया है प्रकल्पग्रस्त उसे बड़ी साजिश मान रहे हैं और इसीलिए आंदोलन जो है अब तीव्र होने लगा है। इसका एक पात्री आंदोलन की शुरुआत करने वाले सिडको मुख्यालय पर शैलेश गाग इस वक्त हमारे साथ हैं। शैलेश जी, क्या कहना चाहेंगे, जब आपने एक पात्री आंदोलन किया था उस वक्त आपने बहुत पुरजोर तरीके से ये बात कहने की कोशिश की थी कि दीबा पाटिल के सिवा दूसरा कोई नाम मंजूर नहीं है, अब आपकी क्या भूमिका है? दीबा पाटिल साहब के अलावा और कोई नाम इस विमानतल को लगने ही वाला नहीं है, ताकि जिस इंसान ने अपने ज़िंदगी के पूरे 52 साल इस समाज के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस महाराष्ट्र के लिए, इस देश के लिए दिए हैं, अपने जीवन के अंतकाल तक जो इंसान एम्बुलेंस में बैठ के किसी आंदोलन स्थल पे लगातार 3 दिन आता है, इस इंसान का अगर संघर्ष ख़त्म करना है, इस दुनिया से, इस देश से, इस राज्य से, इस मिट्टी से जो संघर्ष ख़त्म करना है इन राजनीतियों को और इन अफसरशाहियों को, तो ये संघर्ष का नाम नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने जो हमको बताया है कि संघर्ष करो, क्योंकि वो रायगढ़ के थे, मैं भी रायगढ़ का हूँ, मैं भी रायगढ़ के संघर्ष भूमि का पुत्र हूँ, मैं उस सुपुत्र के नाते आपको एक वचन देता हूँ आपके माध्यम से कि जब तक दीबा पाटिल जी का नाम इस विमानतल को नहीं लगेगा, मैं और मेरा समाज, मेरा गांव, मेरा तालुका, मेरा जिला, इस नवी मुंबई, मुंबई भूमिपुत्र सारे उठकर, जटकर, एक होकर इस 24 तारीख को घेराव आंदोलन करेंगे। और ये 24 तो एक डेट है, लेकिन आने वाले और दिन और आंदोलन, तो यहाँ तक कि दिल्ली तक जाने के लिए हम तैयार हैं। जो राज्य सरकार का अभी कहना है, जो कल की जो बैठक हुई है, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कह दिया है अपने पितृमोह के तहत कि अब दीबा पाटिल का नाम नहीं बल्कि बाला साहब ठाकरे का ही नाम रहेगा। एक राज्य के मुखिया का इस तरह से बिना किसी विचार विमर्श के इस तरह से फैसला कर लेना और जन भावनाओं का अनादर करना, आपको क्या लग रहा है, ये बड़ा अपमान नहीं है? एक लाइन में बोलूँ, क्या ये मुख्यमंत्री जी की बैठक थी कल की? मुझे नहीं लगता ये मुख्यमंत्री महोदय की बैठक, एक पिताजी के नाते उनके पुत्र के साथ हुई बैठक थी, पिताजी का नाम लगना चाहिए। एक जिद्दी बेटा, क्योंकि जिस तरीके से प्रकल्पग्रस्त मूल जो संघर्ष समिति है, जो सर्वपक्षीय है, वो काम कर रही है, वो लोग अगर चाहते हैं कि आप उन्हें बुला रहे कि भैया आप या भाई साहब आप आने वाली 24 तारीख को जो आंदोलन करने वाले, वो मत कीजिए, ये उनकी समझ निकालने के लिए आप वहाँ उनको बुला रहे आपके दालन में या आपके स्थल पर, और आप अधिकारशाही से या हुकुमशाही से बात करेंगे, नहीं यही रहेगा, हम तो सेना उतारेंगे, शिवसैनिक उतारेंगे और वहाँ से निकल जाना, ये जो रवैया है ना उनका, ये मुझे नहीं लगता है मुख्यमंत्री का, किसी भी मुख्यमंत्री के नाते मेरे माध्यम से मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि ये बात मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचाए कि उन्होंने कल जो किया वो रवैया अच्छा नहीं है, ये मुख्यमंत्री पद को शोभा नहीं देता। और हमारे पुरोगामी महाराष्ट्र की विचारधारा, जो मुख्यमंत्री हमारे रहे, उन्होंने आज तक उनके इतिहास में ऐसा कभी किया ना होगा। मतलब आखिरी आपकी डिमांड क्या है? मुख्यमंत्री महोदय, आपसे मैं पहले दिन से गुजारिश कर रहा हूँ, मैं इस आंदोलन से जुड़ा हूँ, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप अपना दिल बड़ा कीजिए, थोड़ा विचार कीजिए, सोचिए, इसका उसका मत सुनिए, जो अपने फायदे के लिए आपको बता रहा है और शिवसेना दांव पे लगा रहा है, उन लोगों का मत सुनिए, उन लोगों का मत सुनिए। बाला साहब का अपमान इन लोगों की वजह से विविध समाज माध्यम में हो रहा है। मैं बाला साहब का चाहता हूँ, मेरे रग में आज भी बाला साहब का खून है। मैं आपको इसी माध्यम से दूसरी बार बता रहा हूँ कि बाला साहब का अपमान होने से रोकिए। शिवसैनिकों के मन में जितने बाला साहब है, उतने ही शिवसैनिकों के यहाँ के जितने ये पट्टा है जहाँ पर दीबा का प्रभाव है, उस दीवाओं के प्रभाव के साथ साथ बाला साहब का भी प्रभाव आज भी है, हम मानते हैं, कल भी मानेंगे, लेकिन कुछ आपके दिमाग में या आपके कान में अपनी आप छवि बनाने के लिए जिन्होंने ये बाल हट किया या उसको बोलते हैं कुछ लीला रच रहे, उनसे आप सावध रहिए। आपका मुख्यमंत्री पद महाराष्ट्र का है, जनता का है, और आपको राजा मानते हैं हम, तो राजा की तरह आप दानशूर रहिए, बड़ा मन कीजिए, दीबा के बारे में सोचिए। ये कहने से आपकी पक्ष की तो यहाँ पे वृद्धि होगी, लेकिन एक मुख्यमंत्री के प्रति जनादार और अच्छा बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, ये आपसे माय बाप सरकार है, आपसे विनती है। अभी बहुत बहुत थैंक यू शैलेश जी। हमारे साथ 95 गाँव जो है
नवमेका, उसके संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं दीपक पाटिल साहब। दीपक पाटिल साहब, क्या आप कहना चाहेंगे, 95 गांव के लोग इस वक्त एकजुट हो गए हैं, लामबंद हो गए हैं कि जो सरकार जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण कर रही है वो कहीं ना कहीं सभी के भावनाओं को आहत करने वाला ये निर्णय है। आप तो उनका प्रतिनिधित्व करें, क्या कहना है उनका? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि लोकनायक दीपक पाटिल साहब जो कि राष्ट्र की धरोहर है, जिन्होंने अपने 55 साल के कार्यकाल में कई कानून देश को अर्पित कर दिए, तो ऐसे महान नेता को हम सब 95 गाँववासी नमन करते हैं और उनको पूछते हैं। आज जो विवाद चल रहा है नामकरण का, नामांतरण का, तो हम लोग चाहते हैं कि ये भूमि हमारी है तो इसके तहत हमारे नेता का ही नाम होना चाहिए। आज महाराष्ट्र के 4 जिलों में हमारा जो समाज है 10,000 गाँव आते हैं, उसमें 10,000 के गाँव के सब लोग दीपक पाटिल साहब को लोकनायक जननायक मान चुके हैं। और जो 10 तारीख को हमारा साकली आंदोलन हुआ था उसमें 70,000 लोग विधिवत अपना इसमें उतरे थे, तो इसके तहत हमारी उम्मीद है कि ये जो 24 तारीख का आंदोलन है उसमें 1,00,000 तक अपना लोग उतरेंगे और पूरा शांतिपूर्ण ये आंदोलन रहेगा। जैसा कि आपने खुद बताया कि 10 तारीख को जो साकली आंदोलन हुआ था उसमें इतने बड़ी संख्या में लोग आए थे, इस वक्त जब राज्य सरकार जो मुखिया है इस वक्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, जो उन्होंने क्लियर एक इंडिकेशन दे दिया, कह दिया एक तरह से कि अब बाला साहब ठाकरे का ही नाम रहेगा, दीपक पाटिल का नाम नहीं रहेगा, इससे कितने आहत हुए हैं प्रकल्पग्रस्त? क्या उनको कोई गुस्सा है इस बात को लेकर, और 24 तारीख को क्या गुस्सा नजर आ सकता है? क्या जरूर आ जाएगा, क्योंकि क्या हम लोग बहुजन समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं, जमीन हमारा लेते हैं, लेकिन आप जो भी है राज करते हैं लेकिन हमारे बहुजन लोगों को, हमारे नेताओं को प्रतिनिधित्व नहीं देते, इसका गुस्सा 24 तारीख को जरूर फटने वाला है। क्या फाइनल आप मांग क्या करना चाहते हैं, अगर ये 24 तारीख को दमनकारी अगर रवैया अपनाती है सरकार या पुलिस, तो इसका प्रतिकार कैसे प्रकल्पग्रस्त करेंगे, कैसे अपने न्याय के लिए लड़ाई को आगे जारी रखेंगे? हमारा दीपक पाटिल का विचार है जो भी आंदोलन रहेगा वो शांतितापूर्ण रहेगा। आज हम लोग 20 साल से सिडको भवन तक जो भी काम करते हैं शांतितापूर्ण रहता है, वहाँ के 10 पुलिस स्टेशन रहेंगे या परिमंडल 1 के जो भी अधिकारी है उनको सबको पता है कि प्रकल्पग्रस्त हमेशा शांति से आंदोलन करते हैं। और हमको उम्मीद है जैसा 10 तारीख को उन्होंने हमको कोऑपरेशन किया, बल्कि हमको प्रोटेक्ट किया, वही प्रकार का प्रोटेक्शन हमको 24 तारीख को मिलेगा। बहुत बहुत थैंक यू दीपक पाटिल साहब। जैसा कि आपने देखा, ये दो वो लोग हैं जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, चाहे वो एक पात्री आंदोलन हो या सामूहिक आंदोलन हो नवम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, और उनकी सिर्फ इतनी ही मांग है कि राज्य सरकार अपना अड़ियल रवैया छोड़े, मुख्यमंत्री अपना पितृमोह छोड़ें और नवम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिर्फ और सिर्फ दीपक पाटिल साहब का ही नाम दें। हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार इस पर गंभीरता से सोचेगी और प्रकल्पग्रस्तों की भावनाओं का ख्याल करते हुए इस पर सकारात्मक निर्णय लेगी। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।